और मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला का जिक्र करें तो कमाल मौला मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी है। 600 पन्ने की इस रिपोर्ट में भोजशाला सर्वे पर बहुत बड़ी बातें सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट में पहली और बड़ी बात यह सामने आई कि मौजूदा इमारत जल्दबाजी में बनाई गई थी। दूसरी बड़ी बात, गौर से सुनिए, यह कि पुरानी इमारत की छवियों को काटकर नई इमारत में लगाया गया था। और सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से भोजशाला में आखिर क्या कुछ मिला है इस रिपोर्ट में, ऐसा क्या है जिसने ये बता दिया है कि अभी पूरी तरह से ये जो मामला है उसका सामने और भी आना बाकी है। क्योंकि भोजशाला में एएसआई के सर्वे में अब तक क्या क्या मिला है, 94 मूर्तियां और मूर्तिकला के टुकड़े बरामद हुए, इसके अलावा खिड़कियां, ये तमाम चीजें जो हैं वो इस सर्वे रिपोर्ट का हिस्सा यहां पर बनी हुई हैं। हिंदू देवी देवताओं से जुड़े कई सबूत मिलने का भी बड़ा दावा। बहुत खुशी का दिन है, हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है, कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र संस्कृत धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था। नहीं, काफ़ी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए थे। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे का निर्देश दिया था, 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ है, एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है, और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होता है। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि भोजशाला में एएसआई के सर्वे में अब तक आखिर क्या कुछ यहां पर मिला है। दरअसल मिला क्या क्या है, 94 मूर्तियां और मूर्ति कला के टुकड़े बरामद हुए हैं। भोजशाला में क्या क्या मिला है इसकी डिटेल, इसके अलावा खिड़कियों खंभों पर देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी जिसके सबूत मिले हैं। और इसके अलावा सुनिए, शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस और पक्षी की छवि भी इसमें मिली है। साथ ही मिश्रित आकृति में कीर्तिमुख मानव चेहरा, सिंह चेहरा भी मिला है। इसके अलावा सर्वे में यह भी पता लगा कि मानव और जानवरों की जो आकृतियां हैं उसको विकृत किया गया, क्योंकि मस्जिद में ऐसी चीजों की आकृति बनाने की सख्त मनाही होती है। एएसआई की रिपोर्ट में जो बड़ी बड़ी बातें सामने आई है वो आपको अब जल्द से जल्द दिखाते हैं। दरअसल रिपोर्ट में पहली और बड़ी बात ये सामने आई कि मौजूदा इमारत जल्दबाजी में बनाई गई थी। दूसरी बड़ी बात कि ये पुरानी इमारत की छवियों को काटकर नई इमारत में लगाया गया था। संस्कृत और प्राकृत में लिखे कई शिलालेखों का मौजूदा इमारत में इस्तेमाल, परमार काल के शिलालेख होने के पर्याप्त सबूत भी इसमें पर्याप्त हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, अरबी और फारसी में लिखे शिलालेखों से पुराने हैं संस्कृत, साथ ही प्राकृत में लिखे गए हैं शिलालेख, और ये काफी ज्यादा अहम फैक्ट है क्योंकि ये वो फैक्ट है जो इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। मौजूदा इमारत की कला और वास्तुकला इस बात का साफ साफ संकेत देती है कि वहां पहले से ही मंदिर मौजूद था। जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है ये उसकी बड़ी बातें हैं। पहले की इमारत में लगे देवी देवताओं के चित्रों से छेड़खानी की बात भी इस रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखी गई है। पुराने मंदिरों के हिस्सों का इस्तेमाल कर ये बनाई गई थी मौजूदा इमारत, इसका जिक्र इस सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। और भोजशाला में एएसआई के सर्वे में कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली है। इनमें मां वागदेवी, भगवान शंकर, हनुमान जी, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। प्रतिमाओं के जो अवशेष हैं, यही नहीं और ऐसे सबूत भी मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। अलग अलग काल के चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के 31 सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों में इंडो सनसेनियन काल के भी सिक्के मौजूद है, यानी दिल्ली में आए सल्तनत काल से काफी पहले के सिक्के यहां से मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत जिसका काल 13वीं से 14वीं सदी, उसके सिक्के भी मिले हैं।
मालवा और मुगल काल के भी सिक्के भोजशाला के एएसआई सर्वे में मिले हैं, जो बड़े सबूत के तौर पर इस सर्वे में शामिल किए गए हैं। ये वो सर्वे रिपोर्ट है जो अब 600 पन्नों के जरिए सामने यहां पर आ चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।